फ्रेंड्स, पीहूस किचन में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ IFB माइक्रोवेव अवन में पिज्ज़ा कैसे बेक करते हैं। आज हम बनाएंगे वेज कॉर्न चीज़ पिज्ज़ा, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। हो सकता है इसे बेक करने के लिए 3 से 4 मिनट भी लग सकते हैं। आप ये पिज़्ज़ा देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, कहीं से भी हार्ड नहीं है, जला नहीं है। मैंने इसे बेक किया है IFB अवन में। अगर नीचे के साइड से आप देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी जला नहीं है और इसकी चीज़ और वेजीज अच्छी तरह से बेक हो चुकी है। कट करने के बाद ये आसानी से कट हो रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा सॉफ्ट है। मैंने इस पिज़्ज़ा को बेक किया है IFB अवन में। अगर आपका पिज़्ज़ा अवन में ठीक से बेक नहीं होता है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस एंड पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस। तो इस पिज़्ज़ा के ऊपर, मतलब कि इस बेस के ऊपर मैं ये पिज़्ज़ा सॉस डाल रही हूँ करीब 2 से 3 टेबल स्पून। उसके बाद स्पून की मदद से इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने माइक्रोवेव ओवन की प्लेट इस्तेमाल की है जिस पर मैंने पिज़्ज़ा बेस रखा है। जो ब्लैक कलर की प्लेट होती है ना, बस उसी प्लेट पे आज हम पिज़्ज़ा बेक करेंगे। तो मैंने इस सॉस को अच्छे से स्प्रेड कर लिया। अब इसके ऊपर गार्निश कर देते हैं ये मोज़रेला चीज़। आपके पास जो भी चीज़ है, जैसे कि क्यूब या फिर स्लाइस चीज़, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ढेर सारा चीज़ अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब बारी आती है इस पर टॉपिंग लगाने की। तो यहाँ पर मैंने अनियन के स्लाइसेस इस तरह से कट करके लगा लिए हैं। उसके बाद मैं इस पर टॉपिंग लगा रही हूँ कैप्सिकम के स्लाइसेस और टोमेटो के स्लाइसेस। आपके पास रेड कलर की कैप्सिकम, येलो कलर की कैप्सिकम है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वेजीज को अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा लिया है। तो अब बारी आती है कॉर्न डालने की। यहाँ पर हम बना रहे हैं वेज कॉर्न चीज़ पिज़्ज़ा। तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी ढेर सारा कॉर्न। और हाँ फ्रेंड्स, कॉर्न को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं आप उसका वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हो, ऑलरेडी अपलोडेड है। तो मैंने ढेर सारा कॉर्न फ्रेश वाला इस्तेमाल कर लिया है। वापस से मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़, क्योंकि ढेर सारा चीज़ी पिज़्ज़ा आज हम बनाएंगे। तो अब मैं डाल देती हूँ सीज़लिंग, जो कि एक मसाला होता है पिज़्ज़ा का, जिससे इसका फ्लेवर और टेस्ट काफ़ी बढ़िया आता है। तो ये रेडीमेड वाला पिज़्ज़ा मसाला है, मतलब कि सीज़लिंग है। ये मैंने थोड़ा सा डाल दिया, बहुत ज़्यादा नहीं। और मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ऑरिगैनो और चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास हो तो आप इस्तेमाल करें, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ऑरिगैनो मैं स्प्रेड कर रही हूँ, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, और लास्ट में इसके ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा मिक्स हर्ब्स। वैसे तो ऑर्गेनो, मिक्सअप्स और चिली फ्लेक्स, ये सारी चीज़ें पिज़्ज़ा बेक होने के बाद इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन मैं इस स्टेज पर इसे इस्तेमाल करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने मिक्सअप्स भी डाल दिया है। तो बेसिकली हमारा पिज़्ज़ा बेस जो है ना, वो बेक होने के लिए रेडी है। तो अब हम आते हैं माइक्रोवेव ओवन की ओर। यहाँ पर मैंने सिंपली सा माइक्रोवेव ओवन का प्लग ऑन किया है, मेन स्विच जो होता है उसे ऑन किया। उसके बाद अब हम आते हैं माइक्रोवेव ओवन की ओर। आप देख सकते हैं ओवन के अंदर, यहाँ पर जो ग्लास की प्लेट होती है ना, बस उसी प्लेट के ऊपर हमें पिज़्ज़ा बेक करना है। तो जो ब्लैक कलर की प्लेट होती है उस पर मैंने बेस रखा है, और बस सिंपली सी इस प्लेट को ग्लास की प्लेट पर हमें रख देना है। तो मैंने इसे रख दिया। अब हम डोर क्लोज कर लेंगे और चलते हैं माइक्रोवेव के सेटिंग की ओर। तो यहाँ पर हमारा IFB का ओवन है। आपके पास अगर कोई दूसरा ओवन हो तो आप उसकी सेटिंग देख लीजिएगा। तो अब बारी आती है इसके सेटिंग करने की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं रीसेट कर लेती हूँ, जो भी इसकी पहली सेटिंग है वो चली जाएगी और ये ठीक से प्रॉपरली सेट हो जाएगा। हमें इस्तेमाल करना है कन्वेक्शन मोड, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं बेकिंग के लिए। मतलब कि अगर हमें केक बेक करना है उसके लिए हम कन्वेक्शन मोड इस्तेमाल करते हैं। कन्वेक्शन मोड के बटन को हमें प्रेस करते रहना है। हमें तब तक प्रेस करना है जब तक यहाँ पर 190 डिग्री नहीं लिख के आता, क्योंकि हम पिज़्ज़ा बेक करेंगे 190 डिग्री पर। तो यहाँ पर 190 डिग्री लिख के आ चुका है कन्वेंशन मोड पे। अब मैं टाइम सेट कर देती हूँ। यहाँ पर 1 नंबर के बटन से मैंने 3 मिनट का टाइम फ़िलहाल तो सेट कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर स्टार्ट के बटन को प्रेस करती हूँ। जैसे मैंने स्टार्ट के बटन को प्रेस किया, आप देख सकते हैं ओवन के अंदर जो ब्लैक कलर की प्लेट थी ना, वो मूव हो रही है अपने आप, और हमारा पिज़्ज़ा सर्कल में, राउंड शेप में घूम रहा है, मतलब वो बेक हो रहा है। तो फिलहाल मैंने 3 मिनट का टाइम सेट किया है 190 डिग्री पर। तो ये टाइम जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, लाइट अपने आप बंद हो जाएगा ओवन के अंदर का, और ये जो स्क्रीन है ना हमारी माइक्रोवेव ओवन की, उसके ऊपर एंड लिख के आएगा। जहाँ पर हमारे टाइम और टेम्परेचर सेट था, वहाँ पे एंड लिख के आ चुका है। मैंने डोर ओपन कर लिया। आप देख सकते हैं चीज़ और वेजीज अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं, चीज़ प्रॉपरली मेल्ट हो गया है। इस स्टेज पर हम इस प्लेट को निकालेंगे। इसे निकालने के लिए या तो किचन टॉवल इस्तेमाल कीजिए या फिर हैंड ग्लव्स। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छे से बेक हो गया है।
चीज़ प्रॉपरली मेल्ट हो चुका है, वेजीज हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं, मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ तो ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं बना है, मतलब प्रॉपर तरीके से हमारा पिज़्ज़ा अच्छे से बेक हो गया और नीचे से देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं जला है और अभी भी ये गर्म ही है। तो बस मैं इसे आपको कट करके दिखा देती हूँ, आसानी से कट हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो लीजिए, माइक्रोवेव ओवन में हमने पिज़्ज़ा को बेक किया है, वो भी सिर्फ 3 मिनट में। मैंने 190 डिग्री पे इसे बेक किया है जिस वजह से ये 3 मिनट में बेक हो गया। अगर आप इसे 180 या 170 पे करते हो तो आपको 4 से 5 मिनट का समय लग सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव हो IFB ओवन के बारे में, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।